विषय हिंदी के प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि नामक पाठ के रचयिता का क्या नाम है? यहाँ आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन है, निराला जी का जन्म किस तिथि को हुआ था? निराली जी का जन्म हुआ था बसंत पंचमी, यानी बे आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, पुनरावृत्त शब्द कौन से हैं? पुनरावृत्त मतलब बार बार में जो शब्द आवृत्ति यानी दोहराए जाते हैं, उन शब्दों को क्या कहा जाता है? पुनरावृत्त शब्द कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सुबह सुबह। फोर्थ क्वेश्चन है, काली घटा का घमन घटा में कौन सा अलंकार है? काली घटा का घमन घटा में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ अलंकार आ जाएगा यमक अलंकार। फिफ्थ क्वेश्चन है, छायावाद के कवि कौन थे? छायावाद के कवि बताने हैं, कौन थे? ए निराला जी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ध्वनि कविता में मानव के किस दृष्टिकोण को दर्शाया है? यहाँ कौन से दृष्टिकोण को दर्शाया है? मानव की आशावादी। सेवेंथ क्वेश्चन है, शब्दों के बार बार प्रयोग करने को क्या कहते हैं? शब्दों के बार बार प्रयोग करने को कहते हैं आवृत्ति। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि नामक पाठ में किसके माध्यम से मानव को संदेश दिया गया है? किसके माध्यम से मानव को संदेश दिया गया है ध्वनि कविता में? प्रकृति के माध्यम से। यहाँ नाइन्थ क्वेश्चन है, कनक कनक का क्या अर्थ है? तो यहाँ कनक कनक का अर्थ है सोना धतूरा। कनक का अर्थ हो जाएगा सोना, दूसरे कनक का अर्थ हो जाएगा धतूरा। यहाँ ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन टेंथ है, ध्वनि कविता में किनको जागृत किया गया है? ध्वनि कविता में किनको जागृत किया गया है? युवाओं को। यहाँ ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख की वस्तु का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? लाख की वस्तु का निर्माण होता है मुख्यतः जयपुर में। ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, कहानी में कांच की चूड़ियों से कौन चिढ़ता है? कहानी में चिढ़ता है बदलू, यानी बे ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। 13 क्वेश्चन है, कहानी के आधार पर व्यक्तिवाचक संज्ञा को चुनिए। कहानी के आधार पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, लाख की चूड़ियां पाठ के लेखक का क्या नाम है? पाठ के लेखक का नाम है कामता नाथ। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, बदलू काका लेखक को क्या बनाकर देता था? बदलू काका लेखक को देते थे रंग बिरंगी गोलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बदलू काका किस धातु की चूड़ियां बनाते थे? यहाँ आंसर आ जाएगा लाख की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है, बदलू के अनुसार कहाँ की औरतें मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं? बदलू के अनुसार नगर की औरतें मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, बदलू काका लेखक की खातिरदारी कैसे करता था? तो यहाँ आंसर लिखेंगे ऑप्शन ए, गाय की दूध मलाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, बदलू काका की बेटी का क्या नाम है? यहाँ आंसर आ जाएगा ऑप्शन से, रज्जो। और लास्ट क्वेश्चन है, रज्जो ने जो चूड़ियों का जोड़ा पहना हुआ था वह किसके लिए बनाया गया था? यहाँ आंसर लिखेंगे जमींदार की बेटी के लिए। तो ये सभी क्वेश्चन के आंसर हमने देख लिए हैं। इसी तरह से हम अन्य सॉल्यूशन भी देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।